एमएलए बनाने की कहानी पे ऐसा है कि 2012 के हितेंद्र ठाकुर जी के साथ संबंध थे। उस समय तक उसी समय 29 गांव का मुद्दा भी बहुत गहराया। उस समय 29 गांवों का नहीं सुलझाया। मेरे भाई जैसे थे, उस समय छोटे भाई जैसे थे, घर पे आते थे तो मेरी दोस्ती हो गया। फिर उसको एमएलए दिया, थोड़ा सा उनके ऊपर झूठा क्लेम लगाया। तभी हमारे दोस्ती के कारण और हमारे जितने कार्य करते थे तो उसका अच्छा स्वभाव था, उम्र कम था, उस हिसाब से हम लोग ने पूरी कांग्रेस छोड़ा और वसई विकास मंडल निकाला और उनको साथ दिया। तो देवेंद्र विवेक पंडित जी के संबंध बड़े गहरे हैं। क्या वो गांव 29 गांव का जो मुद्दा जिसके आधार पर वो एमएलए बने, इसके आधार पर उन राजनीति एक प्रकार से गांव के लोगों का चल नहीं था पूरी वो 12 बरस झूठा के चला कि आदिवासी के नेते हैं, आदिवासी के लिए काम करते तो आदिवासी के लिए पैसा कानून मालूम नहीं था। अगर वो टाइम में वो प्रेजेंट करते ना कि 13 ग्राम पंचायत है तो उधर ही केस निकाल जाती थी। जब हमारे पूजनीय सदानंद महाराज उधर जाने के लिए जो उदगाव से पारोल से रास्ता बनाया था तो उन्होंने वो टाइम में भक्तों को जाने के लिए बना था तो उन्होंने वो रास्ता जाके तोड़ दिया। बाबा का आश्रम है, बाबा को आप भी मानते तो उनके आश्रम में जाने के लिए ये अगर रास्ता बंद करता है तो हिंदुत्व के खिलाफ कुछ कर। भावू ने ये केस जो है छोड़ दिया। वैसे उनके ऊपर नाराज हुई थी, गाँव छोड़ाने के लिए एफिडेविट करके रोकता है तो वो पक्ष में जाके अपने मतलब उसमें पद ले लिया, राज्य मंत्री महामंडल लिया। वो स्वार्थ है ना, वो ऐसा नहीं करना मतलब हम ये उम्मीद नहीं थी। आदिवासी के लिए न्याय देने के लड़ते तो इधर अन्याय हो रहा है तो उसके लिए वो उनके देवेंद्र फडणवीस से आप क्यों नहीं लड़े? जनते के लिए हमारा मगर हमारा सरकार आएगा और मैं एमएलए बनेगा तो जो भी उन सर गांव का एक साल के अंदर पानी नहीं चालू करेंगे ना तो मैं उधर राजीनामा फेंक देगा। मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक व्यक्ति ऐसा जिसने कांग्रेस का दामन तब थामा था जब इंदिरा गांधी उस दरमियान तत्कालीन मंत्री थी। उस समय से ही कांग्रेस के साथ चलना, कांग्रेस की विचारधाराओं को अपनाना और अब तक यानी 2024 में लगातार कांग्रेस के साथ रहना, तमाम बीच तक हुई राजनीतिक दल बदले लेकिन पुनः कांग्रेस की तरफ। अधिकृत उम्मीदवार हैं वसई से, विधानसभा क्षेत्र में उस सत्ता से लड़ाई लड़ रहे हैं जो 35 साल से लगातार काबिज है। उनसे लड़ाई लड़ते हुए अब मैदान पर उम्मीदवार हैं। आइए उनसे सीधे मुलाकात करते हैं, विजय पाटिल से जानते हैं कि आखिर इस चुनाव में किस तरह के उनके योगदान है, किस तरह का उनका विचार है और किस तरह से लड़ाई। पूरे दिन की दिनचर्या करने के बाद कई बार रथ में चलना, कई बार आज यात्राएं हुई, कैसा थकावट अकट होती नहीं रात को 12 बजे भी इंटरव्यू? नहीं, कोई भी एक अच्छा काम होता है ना और मैं ये आमदार की लड़ रहे हैं, वो जनते के लिए लड़ रहे हैं, मेरे लिए नहीं। कि एक दफा आमदार बने तो मेरे हाथ में प्रशासन का एक कानूनी हक आ जाएगा और मैं विधानसभा में लोगों को काम करने के लिए पावर बढ़ेगी, वो पावर का यूज करके मेरे को लोगों को काम करना है और वो थकावट ये सब। तो विधायक बनने के लिए लोग आज मेरे कार्यकर्ते मेरे साथ दे रहे, हमारे महाविकास के नेते मेरे को साथ दे रहे, इसलिए मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे को थकावट अभी आती है। वही ऊर्जा काम कर रही है, ऊर्जा। अच्छा, ये इस समय कहा जाता है कि विजय पाटिल जी बहुत मजबूत हैं पूरी तरीके से, चाहे राजनीतिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो, समाज सेवा के लिए बहुत लंबे समय तक काम रहा। आप चाहते तो आराम से विधान परिषद में बैठ सकते थे, कुछ पैसे या कुछ मैनेजमेंट या कुछ पार्टी से आपके ताल्लुक, आपके बीजेपी में ताल्लुक अच्छे हैं, आपके कांग्रेस में तो फिर आप हैं ही बहुत, चाहे वो उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी हो वहां से आपके संबंध अच्छे, तो चाहते तो आप एक विधान परिषद सदस्य बन जाते, क्यों एमएलए का इलेक्शन? नहीं, वो बात सही है कि मेरे कार्यकर्ता के बल पे मेरा पूरा पारगल जिले में एक कार्य का जो जोश बढ़ा है और मैं जिला परिषद में सभापति था वो टाइम में मेरे पास कृषि और पशु संवर्धन का वो जो खाता है वो मैंने बहुत अच्छे तरफ से हैंडल किया और पूरा खेती वाले को न्याय देने के लिए उसको सामग्री जो केंद्र सरकार से और शासन से
हमारे जिला परिषद को जो मिलती थी वो उसके घर पे पहुंचाई मैं। तो वो टाइम में वो बोले कि हाथ हमारे गांव में लाने का और पूरा खेती का सामग्री, और वो टाइम में हम लोग 5 कोटी का भैंस और गाय बांटने का काम करते थे कि अगर 40,000 की भैंस लेनी है तो 20,000 जिला परिषद देती थी और 20,000 आप डाल के ले। वो टाइम में पूरा नियोजन ऐसा किया मैं कि जिसको लाभ देना चाहिए उसको ही मैं भैंस दिया। मेरा कोई नज़दीक का है तो कोई कार्यकर्ता बोलेगा तो मैं तुम्हारा परिस्थिति अच्छा है तो तुमको क्यों भैंस में दी दूं। और जितना भी जिला परिषद सदस्य थे मैं सबके साथ मीटिंग किया, कोई भी पक्ष को होने दो मगर आपके लाभार्थी ऐसा होना चाहिए तो मेरे पास नाम दे दो, हम लोग उसको पैसा देंगे। टाइम में मेरा ये सिस्टम है ना, वो जो जितने सदस्य थे 66 हमारे सदस्य थे तो उनको बहुत मेरा काम का पसंद आने लगा, वो काम मेरा बहुत अच्छा आने लगा। बहुत सा 2014 के बाद की बात, 12 से लेके 14 तक। तो वो टाइम में शासन के कोई कोई नियम थे कि अगर ये ताड़पत्री खरीदी करना है तो मैं बोलेगा वो खरीदी करो और रेट मैं फिक्स करेगा, वो रेट से चेक दे दो। तो मैंने वो कानून तोड़ निकाल डाला, हमारी जिला परिषद के पैसे है और हम लोग खरीदी करेंगे और जब हम लोग वो बंटवारा करेंगे खेती वाले को सब्सिडी में 50% में, 27 को उसकी बाजार में कीमत थी तो उसको 1350 हम लोग देते थे, मगर उसका अगर क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा तो खेती वाले हमको ही दोष देंगे ना। बराबर। तो बोला आप क्या खरीदी करेंगे तो हमको गारंटी क्या तो वो क्वालिटी सही रहेगा और कीमत सही रहेगा। तो हम लोग ने उसमें एक जनरल बॉडी का ठहराव लिया, मैं जनरल बॉडी में सब सदस्यों को बोला कि ऐसे ऐसी बात है अपना चीज अपन ही खरीदी करेंगे, सबने मान्यता दिया। फिर शासन को मानना पड़ा और शासन ने दे दिया, तभी जिला परिषद तो सब लोग बोलने लगे। अब शासन को भी मतलब दबा दिया कि मतलब मैं कानून से दबाया है, बोला नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो उसने मेरा उधर कार्य का एक सिस्टम होने लगा और मेरे को भी एक अच्छा लगने लगा। तभी मेरा 2.5 बरस उधर गया है, मेरे बहुत से कारण में उधर अच्छे हो गए। मेरे विरोधक थे ऑपोजिट पार्टी, उसने दूसरे सभापति को 2-3 दफा बहुत सताया रुलाया था लेडीज को सवाल पूछते पूछते, और 2-3 घंटा हॉल में अटका के भी रखा था। अच्छा। मगर मेरे को कभी अटका, मेरे को ऑपोजिशन तो छोड़ो कुछ बात करने को तो छोड़ो, मगर मेरा 2 बरस कार्य का अभिनंदन करके मेरे को सभी को साथ लेकर चलना, साथ लेकर काम करना मैं कभी मानता नहीं था। जीपी का सदस्य है, ये सेने का सदस्य है, जो भी सदस्य उधर आया है वो जनते का प्रतिनिधि करने का है। तो जनते का प्रतिनिधि है तो उनका नहीं, वो जनते उनके एरिया में जनते का जो सुविधा मैं दूसरे जगह दे दूं तो वो जनते को भी उसके में देना चाहता है और देना मेरा हक है और जनते का हक है। तो उनको मैं बोलता था कि तुम्हारे गांव में एक हथ का टेम्पो जाएगा, आपके हाथ से उद्घाटन करो कि आपका इतना ताड़पत्री आपके आप जिला परिषद में मत आओ। मैं बोला रे क्या गलती हो गया, मैं जिला परिषद में नहीं रहूं, बोला रे आप आमदार बनो। बल पर नाम के बल पे मेरे को सर्टिफिकेट दिया। अभी मेरे को 2014 में 2013 में इधर बाला साहब थोड़ा ऐसा इधर कुछ फंक्शन को गया था, लेटर साहब साथ में थे, गावित साहब मिनिस्टर थे वो साथ में थे, तो इधर फ्रेश होने के लिए आए, कुछ चाय पानी करके फिर जाने वाले थे, अपना मुंबई जाने वाले थे। तो मेरी पहचान हो गई, कलेक्टर बोले कि सभापति है हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे,
तो बोला कौन से पक्ष का है, तो बोला कांग्रेस, हम लोग बोले जन आंदोलन का, तो बोले कि मैं ऐसा मैं हम लोग कांग्रेस ही है कि 77 में इंदिरा जी ने जब उसका उतार हुआ था और आई कांग्रेस खोला था तो मुंबई में कुछ ओपनिंग को आई थी, तभी बाय रोड वो बड़ौदा जा रही थी, तो हमारे गांव जो है वसई तालुका पहला है, तो कि मेरे को हाईवे छोड़ के किधर सत्कार करने को अंदर मत लेके जाओ। तभी तारा भाई थी इधर मिनिस्टर थी, तो वो टाइम में मिनिस्टर नहीं थी, वो कुछ जिला परिषद में, मगर उसने सोचा कि अगर हाईवे में ठिकाना है तो ससुरनगर में अपना गोविंद शेठ का घर है, तो हमारा कम से कम 225 बरस पुराना पहला लकड़े का बंगला, तो उनको इधर से 2 मिनट में गाड़ी जाती है वो लेके गए, 2 मिनट मेरे माँ के हाथ से गुलदस्ता दिलाया और सरपंच के हाथ से गुलदस्ता दिया और वो 10 मिनट में चली गई। ऐसे हकीकत मेरे को वसंतराम नाईक साहब जो 12.5 बरस मिनिस्टर थे, तो मेरे चेंबूर का लैंड का उनके पास काम था, मैं स्कूल में था तो मामा के साथ और पिताजी के साथ भी जाता था, तो मेरे को बच्चे जैसा मानने लगा। फिर उनका लड़का है अविनाश करके, तो वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टिंग नहीं है, तभी भी कांग्रेस का राज गया था महाराष्ट्र में और जनता पार्टी का राज था, तो वो जरा खाली थे, तो एक टाइम में टाटा के साथ में उसका मीटिंग हो गया, तो बोला अविनाश को अगर पॉलिटिक्स में ही नहीं आना है तो वसई में एक 20 एकड़ जगह दे लो, मैं एक प्रोजेक्ट डाल मेरे को डालने का है उसमें, उसको साथ में लेगा फिर शेयर देगा, तभी मेरे नाम पे वो 60 एकड़ जमीन लेके 60 पद नाम मेरे नाम लेने को आए थे। इतना हमारा पिताजी के टाइम में बहुत गहरीला संबंध था, और हम लोग मेरे पिताजी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तभी सनमय और स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण जी हेड लोग का थाना में दोस्ती हुआ था, सब राजनीति थाना से चलती थी, तो जब भी उसके बाद में आज़ादी हो गई और फिर संयुक्त तो महाराष्ट्र हो गया तभी वो सीएम बने, तभी उनकी जो मिसेस थी हमारे हम चाची बोलती थी वेणुताई, वो हमारे घर में नाव से, हमारे पास रोड नहीं था तो नाव से घर पे आई, घर पे आके 2 दिन मेहमान रह के गई। तो आपके संबंध बड़े गहरे, तो मेरे संबंध हमारे पिताजी के कारण आराम से मिल जाता है, विधान परिषद जैसे सदस्य आप आराम से बन सकते। हाँ, मेरे को तो जब भी बाद में कांग्रेस का राज आया तो दे रहे थे भावसाहेब वर्तो को, वसंतराव नाईक ही बोले कि विजय को, तभी मैं का कम था 23 साल का, तभी मेरे को जिला परिषद दिया था, तो मैं बोला सीनियर छोड़ के मेरे को क्यों देते, मैं सीनियर का कभी भी सम्मान करता है, तो मैं वो लिया और वो मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। और ये जो 90 की सीट है, ये सीट राजाबाऊ दौड़कर जब पवार साहब के साडू भाई थे वो मेरे बहुत गहरी जिगरी दोस्त थे, उन्होंने मेरा अभी जो मेरा 25 बरस पहले का जो पेट्रोल पंप है वो दिल्ली से पास करना पड़ता था, वो मेरे लिए उधर पासिंग को डाला था, उसके घर पे जो अभी अजीत माननीय अजीत दादा जिधर रहते उधर रहते थे वो, तो उन्होंने बोला कि 90 की सीट अपने को सीनियर आदमी छोड़ के पवार साहब का कहना है कि जूनियर आदमी को दिया है, पहला मेरे अंडरनेस का नाम लिया था, टीचर है सब जमी गिने, तो बोला ताराबाई को नहीं देने का उनको, कि उनको कुछ ताराबाई से नहीं जमता था, तो बोला मेरे को जूनियर मांगता है तो आप ले लो, मैंने लिया नहीं। तभी ये इतेंद्र ठाकुर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और वसई के एक अच्छे इंस्पेक्टर लैंडलॉर्ड थे और वो मुंबई में क्राइम में थे, तभी उनका भी उनका दोस्ती था, तो उन्होंने मैंने लिया तो इतेंद्र जी ठाकुर का नाम दिया और 90 की सीट इसको कांग्रेस से मिल गई, सब इकट्ठा होके उसको एमएलए बनाया। अच्छा, एक इस एमएलए बनाने की कहानी पे ऐसा है कि 2012 तक आपके हितेंद्र ठाकुर जी के साथ संबंध अच्छे थे, उस समय तक एक तस्वीर बहुत वायरल होती है कि वो आपके घर पर आए थे और आपकी उनसे बातचीत हुई और वो
पैर छूने वाली तस्वीरें बहुत सारी वायरल हुई, तो ये सारे संबंध तो आपके अच्छे थे। उसी समय 29 गांव का मुद्दा भी बहुत गहराया हुआ, 2009 के बाद से तो बहुत तीव्र हो गई थी महानगर पालिका उसी समय आई। तो सवाल ये है कि आपके साथ गहरे संबंध थे, उस समय 29 गांवों का मुद्दा क्यों नहीं सुलझाया और क्या बातचीत हुई, क्या कुछ हुआ? नहीं, मैं आपको बोला कि 1990 में उसको जब अमदार की दिया तो हमने वो राजनीति में नया था, मगर बचपन से मेरे घर पे राजनीति वाले आए थे और मेरे सामने जो भी राजनीति, तो मेरे को सब मालूम था। तो वो कैसे कि मेरे भाई जैसे थे वो टाइम, उस समय छोटे भाई जैसे थे, मेरे छोटे भाई के दोस्त थे और घर पे आते थे, तो मेरे दोस्ती हो गया। फिर उसको MLA दिया, तो हम लोग फिर बढ़ते गए 92 में, थोड़ा सा उनके ऊपर झूठा क्लेम लगाया रमेश दुबे का मर्डर का और सुरेश वडराई सुरेश दुबे का और वडराई का जो प्रकरण हुआ था, भाई सेठ का नाम था उसमें, मगर इसमें मालूम नहीं कि इसको भी खूब इसको घुसाड़ दिया और उसमें उसका हाथ नहीं था, वो मैं बोल सकता है कि मेरे को मालूम था, मगर वो फिर वांटेड हो गए। फिर वही मैं नाम लिया, वो दत्ता ठाकुर साहब ने चार्ज लेके उनको हाजिर किया। फिर सवा बरस में जब छूट गए तो कांग्रेस ने उसको निकाल डाला था, तभी हमारे दोस्ती के कारण और हमारे जितने कार्य करते थे तो उसका अच्छा स्वभाव था, उम्र कम था, वो हिसाब से हम लोग ने पूरी कांग्रेस छोड़ा और वसई विकास मंडल निकाला और उनको साथ दिया और हमारे बिना मतलब कोई भी उसके लोभ लाभ से हम लोग नहीं करते थे, हम घर के समझते थे उनको, समझ के उनको जितना भी हेल्प करो। 95 की ये वो जो निवडणूक हो या उसके बाद में 5-5 बरस की जितने भी मतलब विरोधक कोशिश कर रहे थे। अच्छा, कोशिश में उसमें घटना आपको याद है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो नहीं हो सके क्यों, इनके इनके मतलब ये गुंडे जैसा है, ऐसा कोई प्रूव नहीं मिला। अच्छा, तो इसलिए जो आरोप था वो भी उसके ऊपर झूठ था, तो प्रूफ नहीं मिला, तो पोस्टमैन नहीं हुए। वही टाइम में हो गई 95 की हो गई, 94 में उसका जमानत होके आया था, फिर 95 हम लोग ने साथ दिया। फिर उसके 5 बरस में 2000 की आई, तो 2000 की भी चुन के दिया। फिर 2005 की आई, वो भी हम लोग ने साथ दिया। उसके बाद में जो आया 2010 तक 9 तक, तो 9 तक फिर उन्होंने उसके पहला जो खासदार की सीट हो गई और बलराम जाधव को खड़ा किया, तो हम लोग दिन रात एक करके बलराम जाधव को चुन के दिया। फिर बलराम जाधव चुनने के बाद में अशोक चव्हाण से उसने महानगर पुलिस स्थापना करने की कंडीशन डाली कि मैं तुमको MP देता है तो तुम मेरे महानगर, मगर उसमें हमारे गाँव लिए तो मैं उनको बहुत छोटे बड़े, मैं एक छोटे भाई के हिसाब से उसको आदेश भी दिया कि अप्पा ये गांव मत ले लो। तो बोलो तेरे को क्या फर्क पड़ता है, तू तो मेरे घर के जैसा है, तेरे मेरे बाजू की चेयर तेरे को मैं लगा के देता है। बोला मैं चेयर के लिए राजनीति करता नहीं, समाज कार्य करने का है, गांव छोड़ नहीं तो मैं तुमको छोड़ देगा। ये आपने बोला? हाँ बोला। फिर वो मजाक छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा, हाँ, उस बात तोड़ने के बाद में फिर जन आंदोलन निकाला, तो मैं पूरा छोड़ा नहीं था, फिर भी जब आंदोलन जन आंदोलन निकाला तो उसका शुरुआत मैंने ही किया था। अच्छा, मगर मैं वो टाइम में विवेक जी को बाहर से सपोर्ट किया क्योंकि मैं पूरा छोड़ा नहीं था, मगर उसको मालूम पड़ा कि नारायण हारने के बाद में कि विजय ने भी अपने खिलाफ काम किया है, तो मैं लोगों को अच्छे खेल लेके आता। फिर
मेरा नहीं जमी तो मैं छोड़ ही दिया। फिर 2012 में हमारी यूनिटी बन गई जन आंदोलन की, और 2012 की जिला परिषद की निवडणूक आई तो उस टाइम में 3 सीट थे और 6 सीट पंचायत समिति की थी, सभापति भी बैठ गया। तो हम लोग ने पूरे 3 के 3 सीट जीत गए। जीतने के बाद में पंचायत समिति भी जीत गए, 6 में जीत गए, तो 4 तो हमारा पास वोटिंग ज्यादा आया तो हमारा सभापति बन गया, मैं जिला परिषद में सभापति बन गया। और 2009 में महानगर पालिका इलेक्शन था तभी हमारे 20 नगर सेवक बने थे। अच्छा, ये लड़ाई वहां से फिर आपके बीच में दरारें बनती गई और दरारें बनती गई, लेकिन ये गांव का मुद्दा हल नहीं हुआ। नहीं, वो हल हुआ नहीं, वो विवेक जी पंडित बोलते थे, मैं कोर्ट में नहीं जाता था मगर संभालते, तो वो 6 महीने का डेट मिला, 4 महीने का मिला, तो हम लोग विश्वास करके चलते थे। मगर आखिर 5 बरस तक हल नहीं हुआ, बल्कि विधायक भी बने थे। हाँ, विधायक बने थे, तभी हम लोग ने एंट्री मारा तो देखा है कि ये जो केस है वो मेंटेलिटी के ऊपर है ही नहीं। अच्छा, जो स्टे लिया वो भी गलत लिया है, तो हमने धोखा किया। हाँ, नहीं नहीं, हमने फिर वो लड़ाई चालू किया तो वो केस जो है वो स्टॉप भी हो गई, बंद भी हो गई जजमेंट के लिए। मगर तभी देवेंद्र फडणवीस जी सीएम थे तो उन्होंने और उनके ये साथ देते थे तो उन्होंने कंडीशन डाला कि केस छूटना नहीं मांगता है, ऐसा मेरे को मालूम पड़ा। तो उन्होंने हमारे खिलाफ फिर एफिडेविट किया कि ये जो हम लोग है ये गांव का कुछ अलग सिस्टम करने वाले हैं ग्राम पंचायत का, तो हम गाइडलाइन दे दो, और केस वापस ओपन किया और फिर चलते रह गए। तभी देवेंद्र फडणवीस हमारे खिलाफ एफिडेविट किया। हमेशा देवेंद्र फडणवीस हमारे गांव के मतलब हेल्प मिलता है बाहर से अपना कुर्सी संभालने को, तो हमेशा हमारे गांव को अड़ाने वाला देवेंद्र फडणवीस ने और भाऊ ने उसके ऊपर एक्शन लिया। हाँ, ये सवाल ये है कि देवेंद्र फडणवीस जी अगर खिलाफ थे लगातार और उसके बावजूद भी विवेक पंडित उन्हीं के साथ में उन्हीं के मंत्रालय में शामिल होते हैं, उन्हीं के साथ राज्य मंत्री पद ले लेते हैं, और कहा जाता है देवेंद्र विवेक पंडित जी के संबंध बड़े गहरे हैं, तो क्या वो गांव 29 गांव का जो मुद्दा जिसके आधार पर वो एमएलए बने, जिसके आधार पर उन्होंने राजनीति की, तो एक प्रकार से गांव के लोगों का छल नहीं था? वो 12 बरस झूठा के चला। उसमें दूसरी बात कि मैंने जब भी अभी भी छूटने वाली थी तो देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे साहब को बोल के, सीएम को बोल के, साहब को बोल के फिर एप्टीट्यूड किया कि ये गांव है इसको हम लोग वापस सब केस डिस्मिस करो, हम लोग वापस महानगर पालिका में लेंगे। तभी मैंने टेसा ग्राम कायदे का ढूंढा और हम लोग ने उपयोग किया, आपने उपयोग किया और सचिव को बोला कि आप अगर ये नोटिफिकेशन 2011 का कैंसिल करते और वो कैंसिल करने का लेटर देते तो हम आपके ऊपर पैसा का क्लेम करेंगे, ये नोटिफिकेशन ही उड़ा डालेंगे, समझा ना। तो उससे अच्छा आप गांव वापस लेने का लेटर दे दो और छोड़ो, फिर लेने का कोशिश करो, और ये 13 ग्राम पंचायत तो ले ही नहीं सकते, तो उसको मान गया। फिर हमारे लेटर दिया और मेरे ख्याल से शिंदे साहब को मालूम भी नहीं होएगा कि हमने क्या खेल खेला है कायदे से, समझा ना। तो मैं यही बोलता है कि आप आदिवासी के नेते हैं तो 2009 में या 9-10 में 11 में जब केस चल रहा, 11 में लड़ाई हो गया, फिर नोटिफिकेशन निकाल के गांव छूटे 1.5-2 बरस के बाद में, तो छूटने के बाद में वो लोग ने, राजू पाटिल ने केस डाल के, महापौर ने केस डाल के जब गांव स्टे लिया अटका के रखा, तो आप आदिवासी के नेते हैं, आदिवासी के लिए काम करते, तो आदिवासी के लिए पैसा कानून मालूम नहीं था? अगर वो टाइम में वो प्रेजेंट करते ना कि 13 ग्राम पंचायत तो उधर ही केस निकाल जाती थी। तो इन्होंने जानबूझ के किया, मालूम नहीं जानबूझ के किया या उनकी मंशा ही नहीं, तो वो कानून उनको मालूम नहीं था, ऐसा बोल सकते हैं। आता है उनकी बेटी चुनाव मैदान, स्नेहा दुबे पंडित,
कहा जाता है कि जब वो मैदान पे उतरी उस दौरान से लेके अभी तक जिस तरह से वो रुख अपनाई, आपके संबंध पहले से ही पुराने थे, उसकी क्या कहानी है? जिस तरीके नहीं, हमारे संबंध इतने पुराने नहीं थे, संबंध नहीं थे कि उन्होंने हमारे उस एरिया में बहुत से जमींदारी के ऊपर केस किया था, वेट बिगारी का क्लेम डालते। ठीक है, आदिवासी को अगर अन्याय करते, सब खेती वाले नहीं करते थे, हम लोग उनको कामगार को फैमिली जैसे संभालते थे, मगर कोई खेती वाला करता भी होएगा तो उसने उसके ऊपर कुछ क्लेम किया, मेरी कोई उसमें तकरार नहीं है। मगर वो टाइम में एक हमारा ऑपोजिशन करके हम लोग, और उसके बाद में उसने एक दफा जब हमारे पूजनीय सदन महाराज है तो उधर जाने के लिए जो उदगांव से पारोल से रास्ता बनाया था, तो उन्होंने वो टाइम में भक्तों को जाने के लिए बना था, तो उन्होंने वो रास्ता जाके तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद में उधर गाड़ी आना ऊपर जाना बिना बंद हो गया, जो बांधकाम करते थे सप्लाई होते थे वो बंद हो गया, तो उन्होंने एक हमारे संत के ऊपर जो एक्शन लिया था तो पूरा थाना जिला उसके उसके ऊपर अपोज हुआ था। तभी स्वर्गीय सन्माननीय आदन जी के साथ ये धर्मवीर माना जाते थे, तो हम लोग वो टाइम में रियल जरा नाराज थे उनके ऊपर, और नाराजी बहुत बुरी तरफ से नाराजी थी पूरे जिले की। मगर बाबा ने बोला कि नाराजी मत करो, जो भी है उसको समझा के काम करो। तभी हम आनंद दिगे साहब के पास गए कि आप धर्मवीर का पद है आपके पास, बाबा का आश्रम है, बाबा को आप भी मानते हैं, तो उनके आश्रम में जाने के लिए ये अगर रास्ता बंद करता है तो हिंदुत्व आपके खिलाफ कुछ करता है, आप उनके अपने भाषा में समझो। फिर आनंद दिगे साहब आए और उनको बोला कि अगर तुम सीधे तरफ से रास्ता बंद करता नहीं, चालू नहीं करता, तो फिर मैं समरी पावर यूज करेगा। तभी उसने उसका आदर किया और वो रास्ता हमारा चालू हो गया। उसे परिचय हुआ आपका? तो वो टाइम में हम लोग वसई में फ्लैट में बाजू बाजू में रहते थे। अच्छा, दोनों आप दोनों, विवेक पंडित हाँ, दोनों। तभी ये सोनू और रानी ये बहुत छोटी थी, और वो टाइम में सोनू मतलब स्नेहा दू और रानी उनकी दूसरी बेटी। अच्छा, तो वो हमारे मेरे बच्चे उनसे बड़े थे, लोग ये लोग काम के लिए जब बाहर जाते थे एक बजे तक डेढ़ बजे तक कभी आते नहीं थे, तो वो उनकी संभालने वाली एक और उनकी छोटी बहन हाँ, दोनों लोग आपके पास? नोनी नहीं, उस नेहा छोटी है, वो बड़ी है, रानी बड़ी है। अच्छा, रानी बड़ी है, ठीक है। तो उन्होंने वो रोती थी उनकी याद में, तो मेरी वो काम वाली उनकी थी, वो मेरे औरत के पास आके बोलती थी कि सोनू बहुत रो रही है और उनके खिलाफ रहती नहीं, तो फिर मेरी और मिसेस है उसको अपने घर में लाके उसको खाना पीना खिलाती थी और उसको सर पे गोद में सुलाती थी, और जब वो लोग आते थे तभी हम लोग उनकी ताबे में देते। ऐसा बहुत दफा हुआ है, फिर हम लोग से लगा तो बच्ची जैसा उसको मानने लगा और हमारा बहुत रिलेशन फिर एक पंडित समझने लगा कि भले बाबा के साथ में किया है और हम लोग खेती वाले के खिलाफ है, मगर ये बच्ची को हमारे बच्ची समझ के प्यार देते, तो फिर वो भी हमारे दोस्ती जैसे रहने लगे। परिवार के रूप में आपके सामने फिर हमारे दोस्ती हो गई और हम लोग बहुत अच्छे रह गए। अब उम्मीदवार बन के भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत वो सामने, तो वो बच्ची याद आती है कि हाँ ठीक है हमारी बेटी है, लड़ने दो ऐसा? तो मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो मेरे हम लोग बच्चे जैसे ही पाले हैं और हम लोग को वो भी हम लोग की बहुत आदर करती है, कभी भी मिलेंगे तो चाची कैसी है, आप कैसे है, हमारे बच्चे का नाम लेते थे वो कैसे है, एकदम वो सब हमारे करते। एक सवाल और, जब आप चुनाव अपने चरम पर है,
अब 20 तारीख नजदीक है, उससे पहले अब जन आंदोलन के लोग आपके साथ जुड़े हैं, खासकर मिलन खानोलकर उनकी टीम और तमाम ऐसे लोग जो अब आपके साथ जुड़े हैं। कहा जा रहा था कि 9 तारीख को वो कहाँ थे, 8 कहाँ थे, 10 तारीख को कहाँ थे, इंतजार कर रहे थे, तो अचानक वो सभी, तो क्या नाराज थे या आप सब जुड़े? नहीं नहीं, ये तो मेरे साथ में नॉमिनेशन को आए थे। अच्छा, नहीं थे, ये गलत है कि नाराज थे। जब भावु ने ये केस जो है छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, एक प्रकार से छोड़ दिया, तो पूरी वसई उनके ऊपर नाराज हुई थी। हाँ। कि इन्होंने क्यों छोड़ा, अगर विजय पाटिल लड़ता है, जिमी कंसर्वेटिव जॉन परेरा लड़ता है, विनील खानोलकर लड़ता है, तो मगर तुम्हारा नियुक्ति स्पेशल हम लोग एमएलए उनके लिए बनाए थे ना। हाँ, जिस मुद्दे के लिए। और जो देवेंद्र फडणवीस घड़ी घड़ी वो गांव छोड़ाने के लिए एफिडेविट करके रोकता है, तो वो पक्ष में जाके अपने मतलब उसमें पद ले लिया। हाँ, राज्य मंत्री महामंडल लिया, वो स्वार्थ है ना, वो ऐसा नहीं करना मतलब, जो हम ये उम्मीद नहीं थी। सारे जन आंदोलन के लोग आज आपके साथ, तो आप आदिवासी के लिए न्याय देने के लड़ते हैं, तो इधर अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए वो उनके देवेंद्र फडणवीस से आप क्यों नहीं लड़े? उनको पद चाहिए था इसलिए, वही होएगा ना। अच्छा, तो ये मेरे को भी इधर वो देवेंद्र फडणवीस आए थे, मंगता है तो पूछो, 2018 में 3 घंटा थे, तीन घंटा थे और कपिल पाटिल साथ में थे, भाईंदर के आमदार थे, थाना के आमदार थे उनके साथ में, सम्मानीय रविंद्र चव्हाण के साथ में, बोला एमएलसी देता है पर हमारे पक्ष में आ जाओ, बोला आपने वो एफिडेविट क्यों खिलाफ करते, हमारे गांव के खिलाफ एफिडेविट क्यों करते, हम अन्याय हो सर नहीं करेगा, हमारा पहला गांव को न्याय दे दो फिर मेरे को पक्ष को बुलाओ। ठुकरा दिया उस समय, ठुकरा दिया। और अभी भी अगर कोई अगर ऐसा ऑफर दे तो? बिल्कुल नहीं ले जाएगा। 100 करोड़ दे तो? मैंने 100 करोड़ 200 करोड़ बाप दादा से देखा है। अच्छा, पैसे का कोई बात ही नहीं, यहाँ कुछ भी हो जाए लेकिन अगर गांव का मुद्दा आएगा तो विजय पाटिल हटेगा नहीं। बिल्कुल नहीं, हम लोग ने छोड़ दिया है ना, गांव छूटे अभी। हाँ, गांव तो छूटे है, ये जो आयुक्त है ये मनमानी कर रहे हैं। परसों हम लोगों ने कंटेम्प्ट का केस किया उसको, अभी ये मंडे को उसको नोटिस हम लोग ने डाला है, मगर लीगली नोटिस माननीय हाईकोर्ट से अभी मंडे या ट्यूजडे को उसको आ जाएगी, तो गांव छूट के भी हम लोग ताबे में नहीं देता है। हाँ, वो नहीं दे रहे, वो तो कह रहे हैं कि नहीं छूटा है, वो तो अभी नहीं छूटा है तो लिख के भी नहीं देता है, नहीं छूटा है तो लिख के दे दो ना, ना कलेक्टर लिख के देता नहीं ये देता है, ये मनमानी है ना ये दोनों की, इसलिए मैं एमएलए बनना चाहता है ना, तो ये लोग जो अन्याय करते हैं, पद का गैर व्यापार करते हैं, इसके लिए इसकी जो ये बात, लोगों को न्याय देने के लिए मैं एमएलए बनना चाहता हूं, एमएलसी वो दे रहे थे बनते आराम, मगर वो देंगे तो उसके मेहरबानी पे चलना पड़ेगा, मैं आजाद आदमी है, मेरे बल पे लड़ेगा और जनता का आशीर्वाद लेके जाएगा, जनता का कोई भी काम करेगा, मगर किसके गुलामी में मैं नहीं रहेगा। चलिए अगला प्रश्न सवाल कर लेते हैं, जिस तरीके का माहौल है, हितेंद्र ठाकुर ने लगातार ये बात कही है कि 35 सालों में हमने जमीन पर काम किया है, उन्होंने कहा है परिवहन के लिए काम किया है, उन्होंने कहा है सड़कों के लिए काम किया है, उन्होंने कहा है रिंग रोड बनाएंगे हम, ब्रिज बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, इन सारे विषयों पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं 35 साल से इसी में हम जीतते हैं विकास। उनका क्या है, एक राजनीति करने का स्टडी अच्छा है, तो वो मौके के टाइम में लोग को आश्वासन देने का तो पहला काम अच्छा करते थे, हम लोग साथ में देते थे। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा करते थे, बाद में देखो हमारा 69 गांव का पानी आज भी नहीं है, टाकी बांध के सड़ गई, अगर पानी हाई करके टाकी बांधी ना तो वो क्यों अड़ाया है, अगर अड़ाया अधिकारी ने है तो आप उसको डांटते क्यों नहीं? 29 गांव, अगर गांव वाले को ग्राम पंचायत मांगते हैं तो तुम लोग क्यों अड़ाते हैं? तो ये जो कह रहे हैं कि 4 साल जो बात है था, उसमें 2.5 साल महाविकास आघाड़ी के थे, उन लोगों ने पानी नहीं दिया 4 साल, ये जो
प्रशासन था ना बीच में, उनका कहना है महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और वहां से भी हमें प्रयास होकर 2009 से पास हुआ है वो। अभी का बात करने का तो छोड़ दो, 2007 में नारियल फूटे, 2018 महीने का अजीत दादा साहब ने टाइम दिया था कि 18 में आपको पानी, 18 महीने के अंदर पानी आएगा, पर हेड इतना आएगा, ये भी बोल दिया था उन्होंने। बोल दिया था, मैं साथ में था नारियल तटने को, मैं पंचायत समिति था तभी। और इसमें हो गया 2024। तो ये जो नागरिक तो जिसका हक होता है, जो ओरिजिनल नागरिक है, जो गांव वाले है, उनको वंचित करके, वो तो कह रहे हैं गांव में बसें पहुंचा दिए, परिवहन अच्छा कर दिया है, सड़कें अच्छी कर दिए, वो तो बोल रहे हैं। किधर है पर एसटी का तो वाट लग गया, जो पहले वो लोग ने महानगर पालिका ने जो खुद की ट्रांसपोर्टेशन चालू किया था, अभी वो सब बस किधर किधर सड़ रही है। मैं एक बापाने में सड़ रही, एक बापाने में एक के घर के पास में कल ही देखा, उधर सड़ रही है वो, मतलब बिन गारंटी के कंपनी की लाई थी। और वो टाइम में उसने, वो लोग ने एसटी को दबा दिया, और जो लाल परी ने महाराष्ट्र को अच्छा मान दिया है और महाराष्ट्र को बढ़ाने को, गांव गांव में शिक्षा देने को, गांव गांव में इधर उधर जाने के लिए, व्यापार से लेके पूरा लाल परी का बहुत बड़ा योगदान है। उनके ड्राइवर हुए, कंडक्टर हुए, उन्होंने बहुत बड़ा उनका योगदान है। आज वो लाल परी का अगर इज्जत नहीं करते ना, तुम इधर उधर पैसा बढ़ोते, अगर वो लॉस में जाते तो उसको संभालना बनते, वो गरीब के लिए सचमुच एक परी है वो। और उनको वो लोग पूरा हालत खराब कर दिया, ना वो रही ना उसका ट्रांसपोर्ट दिया। अभी जो चालू हो गई है वो केंद्र सरकार ने 60-80 लाख रुपया दिया है, वो 10 महीने से बैंक में पड़ा हुआ था। हाँ, तो मैंने आयुक्तों को बोला कि वो पैसा तुम एसटी लेके डालो और एसटी को डेवलप करो, ये तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन इधर नहीं चलने वाला। मगर उसने सुना नहीं, वापस वो 12 बस लाया और मेरे को भी ओपनिंग को बुलाया था 15 अगस्त को, इलेक्ट्रिक बस वो लाया, तो फिर वो चालू नहीं किया 2 महीना और उसके कंपाउंड में उसकी बैटरी चोरी हो गई। हाँ, बैटरी चोरी। तो ये ऐसे प्रशासन, जनता का पैसे का अगर दुरुपयोग होता है तो अच्छी बात नहीं है। रिंग रोड और ये सब चीज आने वाली, अरे कुछ नहीं, वो मैंने अभी चेक किया कि पूरे महानगर पालिका में 13 या 14 हॉस्पिटल के रिजर्वेशन है, प्लॉट बड़े बड़े अच्छे रिजर्वेशन है, कोई कोई में तो झोपड़पट्टी बैठ गई थी। सिडको आई थी 20 बरस, उसने कभी डैम का नियोजन नहीं किया, खाली बिल्डिंग को परमिशन दिया, वो डेवलपमेंट चार्ज ये महानगर पालिका 20 बरस का सुपुर्द किया। तो एक नेता होने के कारण सिडको को जा विचारना मांगता है। हाँ। भाई तू ये पैसा लेता है तो गांव में नहीं, अभी भी बात है, मालजीपाड़ा ग्राम पंचायत है, उनके ऊपर प्लानिंग अथॉरिटी कौन है? महानगर पालिका, जो सुप्रीम कोर्ट के कानून के खिलाफ है। तो उसका डेवलपमेंट चार्ज लेते हैं, तो उधर एक आज तक उसने एक 10 फुट का रोड भी नहीं बना के दिया। तो मैं आयुक्तों को पूछा, ये क्या पैसा कमाने के लिए तुमने ग्राम पंचायत लिया है? कोई मांगने को नहीं आता है, लेता है तो तेरा फर्ज नहीं है क्या? एक सरपंच को बोला, तुम्हारा से हम लोग इतना पैसा, हमारे पास फंड आया है तो तुम कुछ काम दे दो, तो हम वो पैसा तुम्हारा लगाएगा। वो छुपा के रखते हैं, इसलिए इतना वसे में प्रशासन खराब है। और प्रशासन से करने वाला कोई नहीं, पानी का वो 69 ग्राम का नया तो छोड़ो, 69 ग्राम पंचायत का वो भी सब दिया कांग्रेस की देन है। अच्छा, कांग्रेस वो टाइम में कांग्रेस ने, तो क्या एमएलए को मांगना अच्छा है मगर देना उनके हाथ में है ना, तो वो सब कांग्रेस की देन है। जितने भी पैसा दिया शुरू में कांग्रेस ने दिया, जब बलराम जाधव जी एमपी बन गए थे तभी वो कांग्रेस में उधर शामिल हो गया सपोर्टर, तभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छा फंड आया था उधर,
तो ज्यादा करके उनको सपोर्ट दिया कांग्रेस ने दिया है। अच्छा, सीट छोड़ने का और जो भी उसको डेवलप 40 साल बाद उम्मीदवार बनाया कांग्रेस का। हाँ, तो मगर जो आशा है वो नहीं है। आप अगर शिक्षण क्षेत्र का कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट का, ना वो 69 गांव का पानी चालू किया, ना ट्रैवलिंग का अभी हालत खराब है, इलेक्ट्रिसिटी का हालत खराब है। मेरे को एक साहब को बोला कि आप ये मेट्रोपॉलिटन करके MMRDC ने इधर डिक्लेयर किया है तो मुंबई में ऐसी लाइट हिलती नहीं, इधर दिन पे 15-20 दफा हिलती है और फिर फ्राइडे को तुम उसको बंद करते तो इतना डेवलपमेंट करते तो मुंबई नजदीक है तो उसका सिस्टम मिर्च के ओवरब्रिज में अच्छा है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। बोला पाटिल, हम लोग को बहुत फंड आता है गवर्नमेंट से डेवलप करने के लिए फंड आता है, मगर जिधर फॉरेस्ट से लाइन डालो कुछ करो तो ऑब्जेक्शन आता है, तो हम लोग उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो लोक नेते ने हमको सपोर्ट करना मांगता है, मगर हमको जो उम्मीद थी वो नहीं होते है और हम लोग हमारी हिम्मत नहीं कि उनको बोल सके, ये अधिकारी नहीं। हाँ, तो बोल सके तो इसलिए फंड कितना बरस से वापस जा रहा है, ये वापस नहीं वापस जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। आप MLA बनेंगे तो बदलेगा माहौल कि वापस वही जो 35 साल से होता रहा है वही रिपीट होगा? MLA बनने के बाद में एक एक बरस में आपको हर चीज बदली ली दिखती है, रिकॉर्ड में कह रहे हैं, रिकॉर्ड में करके दिखाता है। मेरा काम जनते के लिए, हमारा सरकार आएगा तो बहुत अच्छा है, मगर हमारा सरकार आएगा और मैं MLA बनेगा तो जो भी 69 गांव का पहला पानी नहीं चालू करेगा तो मैं उधर राजीनामा फेंक डालेगा। अच्छा, ये दावा कर रहा है? दावा कर रहे हैं। एक साल के अंदर पानी नहीं चालू करेंगे ना तो मैं उधर राजीनामा फेंक देगा। बोला मेरे को जनते ने MLA बनाया है, अगर उनको पानी नहीं देते तो ये रखो, मेरे काम का नहीं है। पहले काम फिर MLA? हाँ, नहीं तो सीधा राजीनामा। तो 6 महीने में बदले, 6 महीने या 1 साल में बदलेंगे वसई की तस्वीर? वो ना हमारे कांग्रेस के और महाविकास आघाड़ी है, जनते की सेवा में करते हैं और जनते का जो भी प्रायोरिटी काम है उसका वो आदर करते हैं, इसलिए मैं इतना जोर से बोल रहा है राजीनामा देने के लिए। हिला पाएंगे आप 35 साल सत्ता को? हारना कितना और जीतना कितना तय सामने वाली पार्टी का? अभी हाँ, मैं 25-30 हजार से जीतेगा, 100% जीतेगा, इतना मेरे को जनते का आशीर्वाद है। सामने वाले की निश्चित रूप से हार है, मैं नहीं मानता है उसको, अगर मैं जीतता है तो हारते ही है ना। जीत का पूरा भरोसा? जीत का पूरा भरोसा। धन्यवाद। ये पाटिल, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार के चुनाव में ठीक से लड़ाई, उन्होंने कहा कि मुद्दे पर जिस प्रकार से विकास होना चाहिए उस तरह से केस नहीं हुआ। अब कहा कि जिस प्रकार का माहौल है आने वाला 23 तारीख का, जब मतपेटी गिनने के बाद जब खुलेगा पिटारा, किसकी किस्मत खुलती है, और जिस तरह से विजय पाटिल कहा MLA बनने के बाद 1 साल के अंदर वो करके दिखाऊंगा जो अब तक लोग इंतजार कर, वरना राजीनामा दे दो। ये सारी बातें उनके कहने के बाद क्या कुछ होता है, ये सब कुछ देखने वाली बात है, ये होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।